साल 1999 में जब देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए उस वक्त तक राजीव गांधी बेहद कमजोर हो चुके थे। बोफोर्स घोटाला, पंजाब में बढ़ता आतंकवाद, एलटीटी और श्रीलंका के बीच बढ़ता तनाव, ये सारी वजहें ऐसी थीं जिसने राजीव के इमेज को तगड़ा झटका दिया। उनकी सरकार में वित्त और रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव के सबसे बड़े विरोधी हो गए। उनसे मंत्रालय वापस ले लिया गया, जिसके चलते बीपी सिंह ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। गुजरात के विधानसभा चुनाव जो इस साल के अंत में होने हैं, उसके मद्देनज़र हम आपको गुजरात की सियासत से रूबरू करा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्रियों की कहानी, गुजरात के बनते बिगड़ते समीकरण और जो तमाम राजनीतिक सफ़र रहा, उसको हम एक एक एपिसोड में आपको विस्तारपूर्वक बताते चल रहे हैं। अब तक हम आपको 8 मुख्यमंत्रियों के किस्से बता चुके हैं, आज के अंक में 9वें मुख्यमंत्री की बात होगी। अभी हम ऊपर राजीव गांधी की बात कर रहे थे। उस समय जब देश में 1989 में आम चुनाव हुए, तब राजीव गांधी बेहद कमज़ोर स्थिति में थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह तब राजीव गांधी और कांग्रेस का साथ छोड़ करके अलग जनमोर्चा बना चुके थे, आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू के साथ मिल करके। इस साल जब चुनाव हुए तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभर करके सामने आई। कांग्रेस के हिस्से में 172 सीट गए थे, वहीं जो जनता दल था उसको 143 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 85 सीटें गई थी। भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत हुई थी और सीपीएम के खाते में 33 सीटें गईं। जब सरकार बनाने की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी इससे दूर रही और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने सरकार बनाई। तभी देश में राम मंदिर आंदोलन की लहर की शुरुआत हुई। लाल कृष्ण आडवाणी ने तब ये तय किया कि वो रथ यात्रा निकालेंगे। इसी रथ यात्रा के क्रम में समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी होती है। उस समय वहाँ लालू प्रसाद यादव की सरकार होती है। लालू का समर्थन केंद्र की बीपी संघ सरकार को भी होता है, साथ में भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन रहता है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है बीपी सिंह से कि वो लालू प्रसाद यादव से लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ने के लिए कहें, पर तब ऐसा नहीं होता है, जिसके बाद होती है समर्थन वापसी। भारतीय जनता पार्टी जनता दल से अपना समर्थन वापस ले लेती है, केंद्र में सरकार गिर जाती है। पर हम इसके जो आगे की कहानी है वो पूरा विस्तार पूर्वक आपको बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर के जो 3-4 एपिसोड्स थे उसमें विस्तार से बता चुके हैं। अब हम आपको यहाँ से गुजरात लिए चलते हैं। बीजेपी के समर्थन वापसी से केंद्र की सरकार पर तो असर पड़ा ही, गुजरात के सरकार पर भी उसका असर पड़ा। उस समय गुजरात में चिमन भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे जनता दल का, और बीजेपी के सहयोग से गुजरात में भी सरकार चल रही थी। जब केंद्र में समर्थन वापसी हुई तो गुजरात में भी समर्थन वापसी हुई। हालांकि चिमन भाई पटेल कांग्रेस के सहयोग से सरकार बचाने में कामयाब हो गए, सरकार बनी रही। पर कुछ ही दिनों के बाद चिमन भाई पटेल के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल केंद्र में जो राजीव गांधी और चंद्रशेखर थे, उनके बीच की दूरियां बढ़ गईं, दोनों के रास्ते अलग हो गए, जिसके चलते गुजरात में भी दिक्कतें पैदा हुईं। जनता दल के धड़ों में बंटवारे की शुरुआत हुई और उसी समय चिमन भाई पटेल ने एक बड़ा खेल किया। चिमन भाई पटेल ने जनता दल गुजरात का विलय कांग्रेस पार्टी में करने का निर्णय लिया। राजीव गांधी ने इसे मंजूरी भी दे दी। स्थानीय स्तर पर खूब विरोध हुआ, पर राजीव गांधी ने किसी की नहीं सुनी, राजीव के आगे किसी की भी नहीं चली। चिमन भाई पटेल की वापसी फिर से कांग्रेस पार्टी में हुई और सरकार चलती रही। 9 फरवरी 1994 का दिन, सुबह का समय, उसी समय अचानक मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को हार्ट अटैक आता है। केवल 3 घंटे के इस अफरा तफरी के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके निधन के बाद शुरुआत होती है उनके उत्तराधिकारी की तलाश में। 2 दिन के बाद चिमन भाई पटेल की शांत जो शोक सभा होती है, उस समय वो शोक सभा चल रही थी, और उसी शोक सभा के बीच में जब बात उठती है उत्तराधिकारी की, तो उनकी पत्नी उर्मिलाबेन पटेल आगे आती हैं और वो कहती हैं कि वो चिमन भाई पटेल के उत्तराधिकार, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। दरअसल ये कहना साफ साफ दावेदारी थी मुख्यमंत्री बनने की।
उर्मिलाबेन पटेल उस समय राज्यसभा की सांसद हुआ करती थी, साथ ही साथ जो चिमन भाई पटेल का गुट था उसके तो कई विधायकों का समर्थन भी उसको हासिल था। ऐसे में ये माना जा रहा था कि उर्मिलाबेन पटेल गुजरात की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी, पर तभी एक नया दावेदार सामने आता है, उस समय का वित्त मंत्री और चिमन भाई पटेल का बेहद करीबी माना जाने वाला छबील दास मेहता। छबील दास मेहता सामने आते हैं और फिर छबील दास मेहता चंद्रशेखर के सहयोग से गुजरात के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। 17 फरवरी 1994 को गुजरात के नवे मुख्यमंत्री के रूप में छबील दास मेहता ने शपथ ली। उधर उर्मिलाबेन पटेल को कांग्रेस ने केंद्र में ही एडजस्ट किया, उनको राज्यसभा की सदस्यता, उनको फिर से उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनको राज्य मंत्री बनाया गया। अब थोड़ी सी नज़र हम डाल लेते हैं छबील दास मेहता के जीवन पर। छबील दास मेहता का जन्म 4 नवंबर 1925 को भावनगर जिले के महुआ कस्बे में हुआ था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय इनकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी, हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे, गिरफ्तार हुए, जेल गए, फिर जब जेल से बाहर निकले तो इनकी पढ़ाई दोबारा से शुरू हुई। उसके बाद ये कुछ ही समय के बाद जो कांग्रेस में समाजवाद का धड़ा था, जो समाजवादी नेताओं का धड़ा था, उसके संपर्क में आने लगे, जिसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ने लगा। फिर धीरे धीरे इनका ये संपर्क बढ़ा और जब 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए, उस समय तक नेहरू का जो विरोध था, नेहरू के खिलाफ बगावत जो थी वो उभर करके सामने आ गई थी। जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी के नेतृत्व में तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी। ये समाज जो कांग्रेस में रहे समाजवादी नेता थे उनका ये गलत धड़ा बन चुका था और नेहरू से बगावत वाले जितने नेता थे वो इस बैनर के नीचे आ गए। छबील दास मेहता का पर चूंकि पहले से ही समाजवादी नेताओं का प्रभाव था और वो उनके संपर्क में भी थे, इसलिए वो भी इसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय हो गए। जब गुजरात में इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में महागुजरात यानी अलग गुजरात बनाए जाने का जो आंदोलन था, महागुजरात आंदोलन, उसकी शुरुआत हुई तो ये उस आंदोलन में सक्रिय हो गए। फिर 1962 में चुनाव के पहले इनकी कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई, ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए। महुआ की विधानसभा सीट से ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते और विधायक हुए। फिर चिमन भाई पटेल की सरकार में 1973 में इनको पहली बार मंत्री बनने का अवसर मिला, तब इन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला था। 1974 में जब नवनिर्माण आंदोलन हुआ तो उसके चलते चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। फिर वो कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने किसान मजदूर लोकपक्ष अपनी नई पार्टी बना ली। चिमन भाई पटेल के करीबी होने के बाद भी छबील दास मेहता ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, वो कांग्रेस में बने रहे, चिमन भाई पटेल के साथ वो उनकी नई पार्टी में नहीं गए। 1980 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो शायद चिमन भाई पटेल से नज़दीकी के कारण ही इनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद तब ये जनता पार्टी चले गए। फिर चिमन भाई जब जो कि चिमन भाई पटेल चूँकि पहले से ही जनता पार्टी में आ चुके थे तो वहाँ पर एक बार फिर ये दोनों एक साथ आ गए। 1985 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर महुआ की विधानसभा सीट से ये फिर से उम्मीदवार हुए, पर इस चुनाव में ये बीजू भाई के खिलाफ चुनाव हार गए, 1187 वोटों से ये चुनाव हारे थे। 1990 में जब फिर से विधानसभा के चुनाव हुए तब जनता पार्टी थी वो जनता दल हो चुकी थी, जनता दल की स्थिति मजबूत हो चुकी थी और तब तक छबील दास मेहता भी अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर चुके थे। इस चुनाव में एक बार फिर वो उसी सीट से चुनाव मैदान में उतरे और इस बार वो पिछले हार का बदला लेने में कामयाब रहे। बीजू भाई को उन्होंने 30,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। उस चुनाव में बीजू भाई को 10,570 वोट मिले, उसके वहीं पर छबील दास मेहता को 40,445 वोट हासिल हुए थे। चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने और एक बार फिर से मेहता को मंत्री बनने का अवसर मिला और इस बार उनके हिस्से में वित्त मंत्रालय आया, वो वित्त मंत्री उनको बनाया गया। समय आगे बढ़ा, फिर चिमन भाई पटेल के का निधन हो गया, हार्ट अटैक का, वो हम आपको ऊपर बता चुके हैं। फिर वो इसके बाद छबील दास मेहता गुजरात के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। 1995 में छबील दास मेहता के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली। इस हार के चलते छबील दास मेहता के जो विरोधी थे वो तेज हो गए, उनकी गतिविधियां तेज हो गईं। फिर धीरे धीरे छबील दास को संगठन से किनारे लगाए जाने का काम शुरू हो गया, संगठन में इनको किनारे लगाया जाने लगा।
1998 का विधानसभा चुनाव जब हुआ तो उसमें मेहता चुनाव हार गए। इस हार ने कांग्रेस में उनकी स्थिति को बिल्कुल अप्रासंगिक कर दिया। उस समय वो अप्रासंगिक हो गए कांग्रेस में। फिर उसके बाद 2001 में वो कांग्रेस छोड़कर के शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। एनसीपी के टिकट पर 2002 का विधानसभा चुनाव लड़े, पर इस चुनाव में भी वो चुनाव जीत नहीं पाए। एक बार फिर से उनको हार का सामना करना पड़ा। लगातार दो चुनाव हारने के बाद वो खुद ही सियासत से दूर हो गए। फिर साल 2008 में 29 नवंबर को उन्होंने अहमदाबाद में अपनी अंतिम सांस ली। बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, पर उन्हें ऐसे नेता के तौर पर याद किया जाता है जो बिना कभी जताए कि वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज होना चाहता है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। कांग्रेस समाजवादी धड़े का था, समाजवाद की विचारधारा का था, समाजवाद छोड़ करके कांग्रेस पार्टी पहुंचा और कांग्रेस पार्टी पहुंचने के बाद वो गुजरात का मुख्यमंत्री बना। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर हमारे पेज को लाइक कीजिए और मुख्यमंत्री के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।